तो गाइज कैसे हैं आप सब लोग। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि आप एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, एमएसएमई का सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो चैनल पर लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले आप इस वेबसाइट पे आ जाइए। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके आप इसका प्रोसेस कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप यहां पे आ जाइए। फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर हु आर नॉट रजिस्टर्ड येट एज एमएसएमई और दोस विद ईएम सेकंड, आपको सिंपली फर्स्ट वाले पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे देखिए आधार वेरिफिकेशन विद ओटीपी, यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डाल देना और यहाँ पे आपका उद्यमी का नाम जो आधार कार्ड में नाम है उसको यहाँ पे डाल देना है। चलिए मैं पहले अपना आधार नंबर डाल देता हूँ। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे मैं अपना नाम डाल देता हूँ। आधार नंबर और नाम डालने के बाद आपको सिंपली थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेना और यहाँ पे देखिए चेक बॉक्स में ऑलरेडी टिक हुआ है और उसके बाद यहाँ पे वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी, इसी पे आपको सिंपली क्लिक कर देना और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो आपके आधार कार्ड से लिंक है उस पे एक ओटीपी जाएगी। तो चलिए मैं पहले इस पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देखिए ओटीपी कोड आपको यहाँ पे सिंपली रिफिल कर देना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे वैलिडेट का ऑप्शन है, इसी पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो लिखा है योर आधार हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड, यू कैन कंटिन्यू उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अब आपको यहाँ पे संगठन का प्रकार डाल देना है और यहाँ पे आपका पैन नंबर डाल देना है। संगठन के प्रकार में आपको यहाँ पे सिंपली एरो पे क्लिक कर देना है। आपका देखिए क्या है, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में है, प्रोपराइटर है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, पार्टनरशिप है, कोऑपरेटिव है, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड है, स्वयं सहायक संगठन है, सीमित दायित्व भागीदारी है, सोसाइटी है, ट्रस्ट है, अन्य है, आप इसमें से देख लीजिए। तो मैं यहाँ पे प्रोपराइटी डाल देता हूँ एकल स्वामित्व वाले पे, इसी पे मैं सिंपली क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद मैं अपना यहाँ पे पैन नंबर डाल, पैन नंबर डालने के बाद यहाँ पे पैन वैलिडेट का ऑप्शन है, इसी पे आपको फिर से सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है योर पैन हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड, सम फील्ड और द फॉर्म विल बी डिस्पेल्ड, आप इसको सिंपली पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू वाले पे सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट लगेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक नया पेज ओपन हो गया। यहाँ पे लिखा हैव यू फिल्ड इन आईटीआर इन प्रीवियस ईयर, तो आपका है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे नो पे ऑलरेडी क्लिक है, नो पे क्लिक रहने देना है। और यहाँ पे तो आपके पास जीएसटी नंबर है, तो यहाँ पे आप जीएसटी नंबर अगर नहीं है तो यहाँ पे नो कर दीजिए, मेरे पास है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद आपको सिंपली स्क्रॉल डाउन कर लेना है और यहाँ पे आप नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे पूछ रहा है आपका मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर अपना डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आप अपनी आपकी ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर और यहाँ पे ईमेल आईडी डालने के बाद इसको फिर से थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है आपकी कैटेगरी क्या है। आप सामान्य में है तो सामान्य में, अगर अनुसूचित जाति हो तो अनुसूचित जाति में, एससी में हो तो एससी में, नहीं तो ओबीसी में तो ओबीसी में। तो मैं चलिए मैं ओबीसी में क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपका जेंडर पूछ रहा है, तो आप जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे पूछ रहा है आप दिव्यांग है तो यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो यहाँ पे नो पे कर दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा फिर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे उद्यम का नाम पूछ रहा है, यहाँ पे आपको उद्यम का नाम डाल देना है। उद्यम का नाम डालने के बाद यहाँ पे इकाई का नाम डाल दीजिए, कितनी इकाई है तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे इकाई का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, कौन सी इकाई आपकी है। यूनिट का नाम डालने के बाद यहाँ पे देखिए हमारा यूनिट नेम यहाँ पे आ गया है, और अगर आपका और यूनिट है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो यहाँ पे रहने दीजिए। उसके बाद यहाँ पे इकाई का नाम पूछ रहा है, यहाँ पे आपका इकाई का नाम आ गया है, इसी पे आपको फिर से सिंपली क्लिक कर देना है। और उसके बाद इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपका एड्रेस पूछ रहा है, तो आप एड्रेस डाल दीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पे पहले एड्रेस डाल देता हूँ। बाद यहाँ पे सड़क डाल दीजिए, यहाँ पे अपना फ्लैट नंबर डाल दीजिए, उसके बाद यहाँ पे अपना परिसर भवन का नाम, ग्राम या शहर का नाम डाल दीजिए, यहाँ पे अपना ब्लॉक डाल दीजिए, और यहाँ पे अपना सड़क मार्ग गली अगर हो डाल दीजिए, यहाँ पे अपना सिटी डाल दीजिए। उसके बाद पिन नंबर डाल दीजिए, पिन नंबर डालने के बाद अपना राज्य यहाँ से चूज कर लीजिए, राज्य चूज करने के बाद यहाँ से अपना जिला चूज कर लीजिए। जिला चूज करने के बाद यहाँ पे को यहाँ पे एड प्लांट वाले पे सिंपली क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए अभी रिक्वायर्ड पूछ रहा है, तो यहाँ पे मैं भी डाल देता हूँ। यहाँ पे सब कुछ रिफिल करने के बाद आपको यहाँ पे एड प्लांट वाले पे सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों आपका यूनिट नेम आ गया, फ्लैट नंबर आ गया है, बिल्डिंग नेम आ गया, विलेज नेम आ गया है, टाउन आ गया है, ब्लॉक आ गया है, रोड आ गया है, सिटी, पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, यहाँ सब ओके है। उसके यूनिट सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना ऑफिस एड्रेस भी डाल देना है, अगर आपका ऑफिस एड्रेस सेम है तो आपको सेम यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे पूछ रहा है स्टेट ऑफ आप एंटरप्राइजेस, आप किस डेट से आपने चालू किया, तो यहाँ पे आप डेट डाल दीजिए। तो चलिए मैं डेट डाल देता हूँ। डेट डालने के बाद यहाँ पे प्रोडक्शन डेट, तो यहाँ पे आप जिस डेट को आपने चालू किया था वो डाल दीजिएगा, और यहाँ पे आपने आपका बिजनेस किस डेट को रजिस्ट्रेशन हुआ था वो डेट डाल दीजिए, और यहाँ पे आपको किस डेट से आपका बिजनेस चालू हुआ था वो डेट डाल दीजिए। अगर दोनों सेम है तो वहाँ पे दोनों आप डाल सकते हैं। डालने के बाद यहाँ पे आपको अपना बैंक डिटेल डाल देना है।
उसके बाद यहाँ पे आईएफएससी कोड डाल देना है। आईएफएससी कोड डालने के बाद यहाँ पे आपको अपना बैंक का खाता नंबर डाल देना है। तो यहाँ पे आपको अपना बैंक विवरण भरने के बाद यहाँ पे आप पूछ रहा है मेजर एक्टिविटी फॉर यूनिट्स इकाई के प्रमुख गतिविधियां। तो यहाँ पर अगर मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग कर दीजिए, अगर सर्विसेज दे रहे हैं तो यहाँ पे सर्विसेज पे क्लिक कर दीजिए। तो चलिए मैं सर्विसेज पे क्लिक कर दिया। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे देखा सेवा के तहत प्रमुख गतिविधियां, यहाँ पे आपका गैर व्यापारिक है व्यापारिक है, तो मैं यहाँ पे नॉन ट्रेडिंग डाल देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है जिस सर्विस का आप जो सर्विस करते हैं वो आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है। जैसे मैं सर्च कर लेता हूँ ऑनलाइन, यहाँ पे डाल देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे सर्विसेज में यहाँ पे चूज टू डिजिट एनआईसी कोड, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है आपका कौन सा कोड यहाँ पे आप डाल दीजिए। और यहाँ पे आपको 4 डिजिट का कोड यहाँ पे डाल देना है, 2 डिजिट का कोड, 4 डिजिट का कोड और 5 का कोड इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको ऐड एक्टिविटी पे कर लेना है फिर से। अगर आपका दूसरा है तो यहाँ पे फिर से आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे सब कुछ ओके करने के बाद अगर यहाँ पे देख रहे हैं नियोजित व्यक्तियों की संख्या, तो आप जो भी आपके अंडर में काम कर रहे हैं आपके फैक्ट्री में उसको यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे चलिए मैं एक लिख देता हूँ, अगर महिला है तो महिला भी लिख दीजिए, अन्य है तो अन्य लिख दीजिए। यहाँ पे मैं अकेले हैं तो यहाँ पे अकेले कर देते हैं। यहाँ पे बता रहा है राइट डाउन वैल्यू, यहाँ पे आपने अभी तक कितना खर्च किया है इक्विपमेंट पे, उसको आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड गवर्नमेंट ऑफ मार्केट जेएमई, अगर आपको यहाँ पे इन सब पोर्टलों पे करना है तो यहाँ पे यस कर दीजिए, नहीं करना है तो यहाँ पे आपको नो कर देना, यहाँ पे सबसे आपको नो कर देना। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ सब कुछ ओके होने के बाद यहाँ पे सबमिट गेट ओटीपी पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पे लिखा है आर यू श्योर दैट यू आर हैव इंटर करेक्ट डेटा, प्लीज चेक योर मोबाइल नंबर इज करेक्ट। तो यहाँ पे हमको सब कुछ ओके है, हमको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमारे मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगी, ओटीपी को यहाँ पे डाल देना है। चलिए मैं ओटीपी को रिपीट कर देता हूँ। ओटीपी को डालने के बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड है, आपको सिंपली इसको यहाँ पे इंटर कर देना है 57 कोड। वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद आपको फाइनल सबमिट वाले पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर वही पूछ रहा है कि जो आपने डेटा भरा है वो करेक्ट है कि नहीं, अगर नहीं करेक्ट है तो आप फिर से करेक्ट कर सकते हैं, अगर करेक्ट है तो ये फाइनल सबमिट, इसके बाद चेंज नहीं कर सकते। चलिए मैं ओके कर देता हूँ इस पे। अब हमारा देखिए उद्यम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, योर उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर इज द ये है उसके। चलिए मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे ओके पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ लिखा है थैंक यू फॉर विजिटिंग उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल, तो अगर आपको प्रिंट करना है तो आप यहाँ प्रिंट कर दे सकते हैं। अगर होम पे जाना है तो होम पे, अगर सर्टिफिकेट को प्रिंट करना है तो यहाँ पे प्रिंट सर्टिफिकेट वाले पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं प्रिंट सर्टिफिकेट वाले पे क्लिक कर देता हूँ। प्रिंट सर्टिफिकेट के लिए आपको यहाँ पे अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डाल देना। चलिए मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन दे रहा है, एक ओटीपी ऑन मोबाइल एंड फील्ड इन एप्लीकेशन एंड ओटीपी ईमेल फील्ड एप्लीकेशन, यहाँ पे मैं मोबाइल पे कर देता हूँ। उसके बाद वैलिडेट जनरेट ओटीपी क्लिक कर देते हैं। ओटीपी को डालने के बाद वैलिडेट ओटीपी एंड लॉगिन वाला ऑप्शन है, इसी पे आपको सिंपली फिर से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा टाइप ऑफ इंटरप्राइजेस आ गया, मैक्रो आ गया, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आएगा, ऑनर नेम आ गया है और यहाँ पे जीएसटी नंबर हमने दिया है। यहाँ पे लिखा है ईमेल आईडी आ गई है हमारी, जेंडर आ गया है, डेटा प्रोप्राइटेशन आ गया है, मेजर एक्टिविटीज आ गई है, नेम ऑफ इंटरप्राइजेस आ गया, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, सर्विस कैटेगरी स्पेशलिटी एलबे और डेट ऑफ कम, और यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद उसको थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर हमारा बैंक डिटेल आ गया है। उसके बाद और यहाँ पे एम्प्लॉय डिटेल्स आ गया है। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्लान दे दिया है, यूनिट दे दिया गया, ऑफिस एड्रेस दे दिया गया, नेशनल इंडस्ट्री दे दिया गया है, यहाँ पे सब कुछ ओके है। उसके बाद प्रिंट सर्टिफिकेट है, अगर इसमें आपको कुछ एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आपको प्रिंट करना है तो यहाँ प्रिंट सर्टिफिकेट वाले पे आप क्लिक कर दीजिए। और ये देखिए आपका भारत सरकार एमएसएमई का आपका सर्टिफिकेट बनके तैयार हो गया है, आप यहाँ पे सब कुछ देख सकते हैं। आपको प्रिंट करना है तो यहाँ पे प्रिंट वाले पे क्लिक करके प्रिंट करने के लिए आप यहाँ पे साइज को एडजस्ट कर लीजिए। उसके बाद कलर करना है कलर और ब्लैक एंड व्हाइट करना है ब्लैक एंड व्हाइट, मैं कलर पे प्रिंट करता हूँ। तो यहाँ पे सब कुछ होके यहाँ पे मैं प्रिंट पे क्लिक कर देता हूँ तो हमारा प्रिंट आ जाएगा। और दोस्तों आप इस तरह से अपना उद्यम सर्टिफिकेट बना सकते हैं। तो दोस्तों आपके वीडियो कैसा लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो चैनल पर लाते रहता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।